गुड मॉर्निंग नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द पोएम द सोल्जर और पिछले वीडियो में मैंने बताया मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया पोएट के बारे में एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रूपर्ट ब्रूक एंड ही इज अ पोएट ऑफ इंग्लैंड एंड यू ऑल्सो नो नो ही डाइज ऑफ सेप्टी सेमिया एक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई एंड ही डाइड इन अ वेरी अर्ली एज बहुत कम एज में इनकी मृत्यु हो गई थी सो द पोएट डिस्क्राइब्स हियर पोइट यहाँ वर्णन करना चाहता है जो पोएट रुपर्ट ब्रूक इज ऑलरेडी अ सोल्जर रुपर्ट ब्रूक खुद भी एक सैनिक है एंड सेज वो अपनी मन की बात को रखना चाहता है जिस प्रकार से एज यू नो अबाउट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ही ऑल्सो सेड इफ आई डाई इन अ फॉरन कंट्री माई डेड बॉडी शुड बी क्रीमिटेड देयर एंड अ हैंड फुल अप एंड एसेज शुड वी ब्राउ टू इंडिया एंड अ हैंड फुल एसेज शुड बी ब्राउ शुड बी थ्रोन इन टू द गंगा ऑफ इलाहाबाद कहा कि जब मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे उन्होंने भी कहा था मेरी अंतिम अभिलाषा नहीं द विल एंड टेस्टामेंट और इंग्लिश में द विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहता है कि यदि मैं विदेश में मर जाऊँ तो मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए वहीं दाह संस्कार कर दिया जाए और उसके राख को इंडिया लाया जाए और एक मुट्ठी राख को इलाहाबाद के गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए और बाकी राख को इंडिया के मैदानी भाग में फैल जब हवाई जहाज़ से फैला दिया जाए जहाँ कि हमारे देश के लोग हमारे देश के किसान किसान मेहनत करते हैं परिश्रम करते हैं परिश्रम करते हैं अब देखना है लाइक दिस द पोएट ऑल्सो सेज द सेम थिंग पोएट भी वैसा ही कहना चाहते हैं इफ़ आई शुड डाई देखो इफ आई शुड डाई यदि मैं मर जाऊं यानी यदि मैं मर जाता हूं तो क्या होगा थिंक ओनली दिस ऑफ मी थिंक थिंक मतलब होता है सोचना विचारना थिंक ओनली दिस ऑफ मी तो मेरे विषय में मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचें क्या सोचना यदि मैं मर जाता हूँ इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी तो मेरे बारे में इतना सोचना मेरे बारे में सिर्फ सोचना क्या क्या इतना क्या सोचना है दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरन फील्ड दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरन फील्ड इन कि दैट दे सम कॉर्नर ऑफ मीन्स यदि मैं मर जाता हूँ तो मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना है क्या सोचना है कि विदेश में यदि मैं मर जाता हूँ तो तो मेरे शरीर को वहीं दफनाया जाए लेकिन दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड लेकिन वहाँ दफनाया जाए कहाँ यानी यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो जाती है युद्ध के दौरान मैं मर जाता हूँ शहीद हो जाता हूँ तो मे मेरे शरीर को मेरे पार्थिव शरीर को मेरे डेड बॉडी को वहीं दफना जाए दफना दिया जाए लेकिन वह जहाँ दफनाया जाए वह जमीन सदा के लिए इंग्लैंड का ही रहेगा कैसे रहेगी क्योंकि एक सैनिक जो इंग्लैंड का है और मृत्यु हो जाती है किसी अदर कंट्री में वहीं की मिट्टी में दफन कर दिया जाता है दफना दिया जाता है दफनाने के बावजूद भी उस मिट्टी का इंग्लैंड इंग्लैंड का उस मिट्टी से लगाव रहेगा इट मीन्स पोएट कहना चाहते हैं कि मरने के बाद भी मुझे याद किया जाए क्यों क्योंकि वह इंग्लैंड की ही धरती बन के रह गई क्योंकि इंग्लैंड का एक सैनिक वहाँ सैनिक का दफ़न हुआ है देर सैल बी उस मिट्टी में ये, ये का है दूर, या मीनि धूल यहाँ धूल नहीं है डस्ट का मीनिंग है डस्ट इज यूज फॉर द पोएट पोएट के बारे में यूज क्या क्या है यानी सैनिक के बारे में क्योंकि वह वहाँ की मिट्टी में छिपा हुआ है यानी वो जो डस्ट है वह कहने का सेंस क्या है उस सैनिक का डेड बॉडी वहाँ छिपा हुआ है तो मरने वो चाहते हैं कि मरने के बाद भी जहाँ वहीं दफन किया जाए और उसके बाद उसे याद किया जाए क्योंकि वह जमीन वह इंग्लैंड का ही है क्योंकि इंग्लैंड का एक सैनिक वहाँ दफन है पर तो इसका एक एक मीनिंग समझना है उसके बाद पैराफ्रेज इट तब पूरे ईस्ट का मीनिंग समझना है अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर क्यों अडस्ट हु इंग्लैंड बोर क्यों कि जहाँ उसने जन्म लिया सेफ मेड अवेयर यानी पोइट क्या कहना चाहते हैं वह धूल जहाँ उसने जन्म लिया वह मिट्टी कौन वह समृद्ध मिट्टी वह समृद्ध भूमि जहाँ उससे भी ज़्यादा समृद्ध समृद्धता उससे भी ज़्यादा समृद्ध छिपा हुआ है कौन एक शहीद की लाश को दफनाया गया है एक शहीद को दफनाया गया है और वह कहाँ की है वह इंग्लैंड का है वो इंग्लैंड जहाँ जिसने उसने जन्म लिया उसे तरासा गया और एंड अवे मेड अवेयर और जागरूक बनाया इतना ही नहीं उसे प्यार मिला पुष्प कैसे उसे प्यार करने के लिए फूल मिला घूमने के लिए रास्ते मिले और इतना ही नहीं गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रोम और घूमने के लिए चलने के लिए रास्ते मिले अ बडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर अ बडी ऑफ इंग्लैंड अ बडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर और ये शरीर कहाँ का है रहा वो भी इंग्लैंड का और साथ ही साथ इंग्लैंड की ही वायु से इंग्लैंड की ही हवा से उसने सांस लिया वास्ट बाय द रिवर्स एंड ब्लेस्ड द सन वास्ट बाय द रिवर्स वास्ट बाय द रिवर्स और और इतना ही नहीं और नदियों के द्वारा वास्ट बाय द रिवर्स नदियों के द्वारा यानी वहाँ की जो नदियाँ हैं उनसे इन्हें लाभ मिला और घर पर जो धूप मिला करता था उससे जो ऊर्जा मिलती थी उससे जो उषमा मिला करती थी वह भी इंग्लैंड का ही था कहने का सेंस क्या है वो क्या कहना चाहते हैं इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड देयर सेल बी इन दैट रिच अर्थ रिच अर डस्ट कंसील्ड अ डस्ट हुम इंग्लैंड बो सेव्ड गेव लव हर वेस्ट से बडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर इट मीनस अब स्टेंजा इस, इस 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 का एक समरी के रूप में समझना है ये क्या है पोएम ऑफ फोर्टीन लाइन चौदह लाइन का पोएम होता है फर्स्ट लाइन ऑक्टेव कहा जाता है एट लाइन का होता है फर्स्ट स्टेंजा और नेक्स्ट स्टेंजा होता है एंड नेक्स्ट स्टेंजा होता है सिक्स लाइन का दैट इजेट तो इसमें क्या कहा जाता है पोएट यहाँ बताना चाहता है कि एक सैनिक कहता है कि जब वह मर जाता है मरने के बाद यानी सोल्जर क्या कहे युद्ध में जाता है और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद तो उसे वहीं दफना दिया जाता है कहाँ जहाँ उनकी मृत्यु हुई हो जिस देश में हो इंग्लैंड के बाहर लेकिन मरने के बाद भी उसे याद किया जाए क्यों क्योंकि सोचा क्योंकि ये सोचा जाए यह जाना जाए कि मरने के बाद वह शरीर जिस जहाँ भी जहाँ की भी मिट्टी में दफन किया गया है वह इंग्लैंड की ही है इंग्लैंड की ही जमी है कहने का सेंस है उसे याद किया जाए क्यों कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में उसे दफनाया गया हो लेकिन उसे बाद में याद किया जाए क्योंकि यह वही शरीर है जिसे दफनाया गया वह इंग्लैंड का है जहाँ वही इंग्लैंड जहाँ उसने जन्म लिया जहाँ उसका लालन पालन हुआ वह उसे जागरूक बनाया गया और उन्हें प्यार करने के लिए प्रेम के लिए फूल दिया गया उन्हें रास्ते मिले स्वतंत्रता मिली और वहाँ की सारी सभ्यता और संस्कृति को सीखने का मौका मिला वहाँ की नदियों में जहाँ उसने स्नान किया और वहां की सूर्य की किरण जिसने उसे उष्मा उस प्रदान की यह सारी चीजें उन्हें इंग्लैंड से मिला इंग्लैंड की पवित्र धरती से मिला इसलिए पोइट क्या कहना चाहते हैं पोइट कहना चाहते हैं पोइट यहां क्या कहना चाहते हैं पोइट कहना चाहते हैं कि मरने के बाद भी उन्हें उस रूप में याद किया जाए एंड नेक्स्ट स्टेंजा एंड नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोइम इज अब देखना है अगला स्टेंजा क्या है The next is um, and uh, and think this heart all will the away. Of second is and think and think this heart all will say away. A pulse in the eternal mind, no less give somewhere back the thoughts by England given. हर था हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी डे एंड लाफ्टर लर्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलिस्ट इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवेन इट मींस पोइट अब क्या कहना चाहता है इन द नेक्स्ट स्टेंजा द पोएट से नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहते हैं क्या एंड थिंक एंड थिंक और सोचता हूँ क्या सोचता हूँ दिस हार्ट यह हृदय ऑल इविल सेड अवे यह जो हृदय है जिसमें कि समस्त पाप से यह हृदय से सारी सारे पाप सारे दोस्त समाप्त हो गए धुल गए मिट गए कैसे अ पल्स इन द इटरनल माइंड अ पल्स इन द इटरनल माइंड यानी मस्तिष्क में जो चिंतन है मस्तिष्क में जो मनन है नो लेस गिफ्ट सम दॉट्स बाई इंग्लैंड गिवन ये सारे चीज़ें हमें कहाँ से मिला इंग्लैंड से मिला इट मीनस वो कहना क्या चाहता है ये चाहे दिल का धड़कन हो माइंड का धड़कन हो और ये हृदय जो बिल्कुल जिसकी में कुछ भी बुराइयाँ नहीं रहीं ये मरने के बाद के बारे में कह रहे हैं एंड हर साइड्स हर साइड्स एंड साउंड्स हर साइड्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे हर साइड्स मीन्स उनके दृश्य ये जो आवाज साउंड है ध्वनि है धनिया ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे और खुश और वो कैसा खुशनुमा स्वप्न जो देखा करते हैं थे एंड लाफ्टर और ओठों की मुस्कुराहट लर्नस ऑफ़ फ्रेंड्स दोस्तों से जो सीखा एंड जेंटलनेस और अपनी भद्रता अपनी सज्जनता दोस्तों से मेल मिलाप अच्छा व्यवहार इन हार्ट्स एट पीस अंडर इंग्लिश हेवन एट इन हार्ट्स एट पीस और इतना ही नहीं कहाँ हृदय की शांति ये कहाँ मिलती मिली इंग्लैंड जैसे अंडर एंड इंग्लिश हेवन इंग्लैंड जैसे आकाश के नीचे इंग्लैंड जैसे स्वर्ग में इट मीन्स पोएट कहना क्या है देखो एक्चुअली होता है कि आप पोइट के कहने का सेंस समझना है इसके भाव को समझना है एक एक लाइन पोएम का यदि मीनिंग बताया जाए तो मीनिंग इसका स्पष्ट नहीं होता है तो पोएम कहना क्या चाहता है यदि द पोएट से ठीक है यदि युद्ध के दौरान यदि विदेश में उनकी मृत्यु हो जाती है विदेश में युद्ध के दौरान शहीद हो जाते हैं तब क्या होगा उनका जो भी पाप है वह स्वतः धुल जाएगा क्यों क्योंकि उसने अपनी मिट्टी के लिए अपने वतन के लिए काम किया है और उसकी आत्मा क्या होगी वह खुद ही आत्मसात हो जाएगी इट मीन्स आत्मा भी बिल्कुल स्वच्छ परमात्मा से जाकर मिल जाएगी और वह जब आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी उसमें परमात्मा में विलीन हो जाएगा तो उनके दिल में उनके हार्ट में जो कुछ भी है इंग्लैंड के प्रति वह सदा रहेगा वह कभी समाप्त नहीं होगा एंड फर्दर ही ऑल्सो से और क्या कहना चाहता है और अपनी भूमि का वह सदा आनंद लेते रहेगा रहे दफन कहीं भी हो जहाँ भी दफन होगा लेकिन उसे वही एहसास होगा वह इंग्लैंड की पवित्र भूमि की उन्हें याद आएगी और और सिर्फ इतना ही नहीं वह खुशहाली भरे दिनों की भी, की, की भी उन्हें याद आएगी जो दिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ इंग्लैंड में बिताया अपने मित्रों के साथ बिताया और पूर्वक इंग्लैंड में रहते हुए अपने जीवन का आनंद लिया और पोइट क्या चाहता है और उन्हें सदा के लिए हमेशा के लिए वहीं शांति मिलेगी इट मीन्स पोइट कहना क्या चाहता है पोइट यहाँ कहना चाहता है किसके बारे में पोइट यहाँ एक सैनिक के बारे में पोइट खुद ही सोल्जर है वो कहना चाहते हैं यदि उनकी मृत्यु हो जाए मृत्यु होने के बाद उनको जहाँ भी दफनाया जाता है वह ज़मीन तो सब दिन के लिए इंग्लैंड का ही हो जाता है क्यों ये इंग्लैंड का शहीद इंग्लैंड का एक बेटा इंग्लैंड का एक सैनिक वहाँ दफन है और मरने के बाद भी उन्हें याद किया जाए क्यों वह जमी जहां दफन किया गया वहां पर तो इंग्लैंड का एक सैनिक शहीद है और मरने के बाद उन्हें असीम शांति मिलेगी वहीं और असीम शांति भी मिलेगी और उसके साथ ही साथ पोइ ये भी कहना चाहते हैं कि इंग्लैंड वह पवित्र धरती है जहाँ उसने जन्म लिया उन्हें आकार प्रकार मिला बहुत तरह की सुख सुविधाएं मिली और इस इस तरह से पोएट अपने दिल की बात को कहना चाहता है थैंक यू पोएम समझ में आ गई होगी अब देखना है इसके बाद समरी बताते हैं और समरी के बाद समरी पढ़ने के बाद ये ऑब्जेक्टिव्स भी पूछेंगे तो कोई ध्यान से देखना है सारे ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है ओके थैंक यू वेरी मच